Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक चीजें और कॉन्सेप्ट समझ लिया है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को इससे पहले की क्लास में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लाभ और हानि का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं और उन क्वेश्चनों को हमें कैसे पेपर में आने पर सॉल्व करना है वो पढ़ेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आज आपकी तीसरी क्लास है। तो हर क्लास में जैसा कि मैं परसेंटेज प्रतिशत आपको करा चुका हूं, उसमें मैंने जैसे हर एक क्लास में एक कंसेप्ट आपको कंप्लीट कराया है, वैसे ही मैं यहां भी क्लास वाइज आपको सारे टाइप प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट कराऊंगा। कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की आज की तीसरी क्लास में। तो तीसरी क्लास में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देखने लग गया होगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसने कहा है कि 14 सेवाओं का लागत मूल्य 21 सेवाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि दिया है 14 सेवाओं का लागत मूल्य 21 सेवाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ट्रांजैक्शन में लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। आपको दिख रहा होगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ आर्टिकलों का क्रय मूल्य और कुछ आर्टिकलों के विक्रय मूल्य के समान है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप एक बात समझ लेंगे कि जब हम लाभ या हानि निकालेंगे तो लाभ या हानि हमेशा जब कभी भी निकालेंगे तो हमेशा मात्रा समान होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अगर हम एक किलो चीनी का सीपी ले रहे हैं तो एसपी भी एक किलोग्राम चीनी का ही होना चाहिए। अगर हम एक मार्कर का क्रय मूल्य ले रहे हैं तो एसपी भी एक मार्कर का होना चाहिए। दो मार्कर का सीपी ले रहे हैं तो एसपी भी दो मार्कर का, मतलब मात्रा जो है वो समान होनी चाहिए, तभी हम लाभ और हानि कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ेंगे और देखो उसका सॉल्यूशन समझेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है लागत मूल्य, सॉरी 14 सेवों का, सेव दिए हैं, 14 सेवों का लागत मूल्य 21 सेवों के विक्रय मूल्य के समान है। तो 14 सेवों का लागत मूल्य, तो सेवों की संख्या कितनी है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना भाई, 14 सेवों का लागत मूल्य, तो 14 लिख लिया मैंने और मैं मान लेता हूं कि एक सेव का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी है, मैंने जो सीपी माना है ये एक सेव का क्रय मूल्य माना है। उसने कहा है 14 सेवों का क्रय मूल्य, तो एक सेव के क्रय मूल्य में मैंने 14 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 सेवों का क्रय मूल्य आ गया। तो उसने क्या कहा है, फिर आगे देखो, 14 सेवों का क्रय मूल्य 21 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब ये वाली वैल्यू बराबर है 21 सेवों के सेलिंग प्राइस के, अगर मैं एसपी को एक सेव का विक्रय मूल्य मान लूं। तो यहां पर सीपी और एसपी क्या है, यहां पर सीपी जो है वो सीपी जो यहां पर बता रहा है वो बता रहा है एक सेव के क्रय मूल्य को, एक सेव के क्रय मूल्य को, और एसपी जो है प्यारे विद्यार्थियों वो बता रहा है एक सेब के विक्रय मूल्य को, यह बता रहा है एक सेब के विक्रय मूल्य को, मतलब सीपी और एसपी एक सेब के हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में उसने कहा था कि 14 सेबों का क्रय मूल्य 21 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने 14 का सीपी निकाला और उसको 21 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम जब भी बता सकते हैं जब क्वांटिटी सेम हो। तो यहां पर मुझे यदि एक सेब के क्रय मूल्य और एक सेब के विक्रय मूल्य का रेशियो मिल जाए तो ट्रांजैक्शन का लाभ हानि बताना मेरे लिए आसान होगा। तो उसको कैसे करेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस
एसपी को इधर लेके आएंगे तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, सात से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तीन बार कैंसिल हो जाएगा, सात से कैंसिल करेंगे ये हमारा दो बार कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो हो जाएगा ये वाला और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा ये वाला। ये उल्टा क्यों हो जाता है वो मैंने बताया है कि जब एसपी को इधर ले आएंगे तो नीचे आएगा और चौदह को इधर लेके जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो सीपी का रेशियो तीन और एसपी का रेशियो दो। तो यहां से एक आर्टिकल का क्रय मूल्य, एक आर्टिकल का एक सेब का क्रय मूल्य और एक सेब के विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया भाई। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना है 3:1 और सेब का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई 2:1 ही आ गया। अब देख लो कि ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ कि हानि। एक सेब को उसने 3 रुपए मतलब 3:1 में खरीदा है और उस सेब को 2:1 में बेचा है। जब कभी भी कोई भी वैल्यू हमें रेशियो में पता होगी तो वो परफेक्ट मान नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये जो एक सेब का 3:1 लिख रहा है ये रुपए में नहीं है, ये रेशियो में है। तो एक सेब को ये 3:1 में खरीद रहा है और 2:1 में बेच रहा है, इसका मतलब ज्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है। तो ज्यादा में खरीद कर अगर कम में बेचेगा तो उसे क्या होगा, हानि। मैंने पहली क्लास में आपको बताया हानि का प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए देखते हैं कितने की हानि हुई। तो 3:2 में 1:1 की हानि होगी और हमेशा हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, सीपी पर। तो सीपी का रेशियो कितना है 3, तो 1/3 × 100, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में इसको हानि होगी 33 ही 1/3%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 ही 1/3% हानि स्लैश लॉस। लॉस का मतलब भी इंग्लिश में क्या होता है, हानि। तो ऐसे हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जब हमें कुछ आर्टिकलों का क्रय मूल्य कुछ आर्टिकलों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो। तो हम क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहचान क्या है, क्वेश्चन को पहचानना। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देखते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे अप्रोच करना है, और वो अप्रोच आपकी बढ़ेगी समझ से, माइंड की सोच को बढ़ाना है, रटना नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, जब कभी भी आपको कुछ आर्टिकलों का क्रय मूल्य और कुछ आर्टिकलों के विक्रय मूल्य बराबर दिए हो तो उन क्वेश्चनों में सबसे पहला काम आपको उन आर्टिकलों के सीपी और एसकी को एक आर्टिकल में कन्वर्ट करना है कि एक आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना रेशियो होगा और एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना रेशियो होगा। तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य 2, तो हानि हुआ है लाभ हो हमें यहां से पता चलेगा। अगर एसपी ज्यादा होगा मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और अगर ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा में खरीद रहे हैं 3 और बेच में कम में रहे 2 में, तो इसका मतलब हानि होगी। कितने परसेंट की होगी, तो हानि परसेंट निकालेंगे तो देखेंगे हानि कितने की हुई, तो हानि हो रही है 1 की। कितने पर, सीपी 3 पर, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 33 ही 1/3% लॉस। तो इस क्वेश्चन में देखो कौन से ऑप्शन पे दिया है भाई, ये दिया है डी ऑप्शन पे। तो इस क्वेश्चन का बेटा डी जो आंसर है वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन पे दिया है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारा क्लास अटेंड करने का तरीका सेम, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा, उसको देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे भाई। जब तक मैं ये मिटाता हूं आप तब तक जो ऊपर लिखा है उस क्वेश्चन को पढ़ें और करने की कोशिश करें, फिर मैं बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन बता दिया तो दूसरे को मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे पहले चीजों को समझाऊंगा भाई, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन आएगा उस पर आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि 38 वस्तुओं का लागत मूल्य 95 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 38 वस्तुओं का लागत मूल्य, देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार और। कह रहा है यदि 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य 95 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। मतलब वही वाली चीज है कि कुछ आर्टिकलों का क्रय मूल्य दिया है और कुछ आर्टिकलों का विक्रय मूल्य दिया है हमें उसने, और फिर हमसे ट्रांजैक्शन में लाभ परसेंट और हानि परसेंट पूछा है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन में क्या कहा है पहले ये देखो, उसने कहा है कि 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 38 आर्टिकल का सीपी, क्रय मूल्य एक आर्टिकल का सीपी मान लिया मैंने, 38 मतलब 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य
95 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, सेलिंग प्राइस के समान है, ये है। तो 19 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 19 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 19 से ये कट जाएगा दो बार, 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा पांच बार। तो एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा 5 और एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 2। तो एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये दोनों का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना भैया, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य हो जाएगा 5:1 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 2:1। अब उसके बाद देख लो ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ या हानि। तो 5:1 वस्तु की खरीद है और 2:1 की बिक्री है, मतलब खरीद ज्यादा की है और बिक्री कम, मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है। तो भाई सीधा सा कंसेप्ट है, हम किसी चीज को ज्यादा में खरीद लें और उसको कम में बेचें तो हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी ये कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज लॉस के लिए सबसे पहले देखेंगे कितने की हानि हुई, 3 की, और कैलकुलेट करते हैं हमेशा सीपी पर 5 पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20-60% हानि। तो इस ट्रांजैक्शन में कितनी हानि होगी भाई, 60% हानि, 60% लॉस। ऐसे कौन सी ऑप्शन पे है, ऑप्शन देखेंगे तो बेटा ये ए ऑप्शन पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए सही होगा। तो यहां से ये जो अगर 3/5 किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो हमें वो यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आर्टिकल का सीपी है, ये एक आर्टिकल का एसपी है, किसी चीज को 5 रुपए में खरीद कर 2 में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 3 की हानि होगी। हमेशा हानि सीपी पर निकालते हैं, इसलिए 5 × 100। वैसे हानि को वास्तविक हानि और वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, लेकिन यदि वो क्वेश्चन में कह दे, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में कह देता बताइए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर हुई, अगर ये बात कह देता तो फिर इस 3 हानि को हम 2 पर कैलकुलेट करते तो आंसर हमारा फिर 150% आता। तो इस प्रकार से हमें चीजों को समझना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60% ए ऑप्शन पे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलती हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखने लग गया होगा बोर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, पढ़ेंगे करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक रेलवे सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं भाई। तो ये कह रहा है 102 वस्तुओं का क्रय मूल्य 51 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेम जो मैंने अभी आपको पीछे बताया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी भाई, ये तीसरा क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, सेम उसी प्रकार का है। उसने क्या कहा है 102 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 102 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 102 आर्टिकल का सीपी, तो 102 मल्टीप्लाई सीपी बराबर 102 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसने हमें बराबर दिया है, 102 वस्तुओं का क्रय मूल्य 51 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब आर्टिकल 102 का सीपी बराबर है 51 वस्तुओं के और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस एसपी के, ये है। तो यहां से करेंगे तो देखो 51 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा दो बार, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, इधर 1 बचा और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 2। तो कॉस्ट प्राइस और रेशियो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो भैया कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस का 2। 1:1 की खरीद है और 2:1 की बिक्री है, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 1 का, कितने पर होगा सीपी 1 पर, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा सीधा 100% प्रॉफिट। अगर 100% प्रॉफिट किसी ट्रांजेक्शन में हो रहा है इसका मतलब उस आर्टिकल को दोगुनी कीमत पर बेचा जा रहा है, सीधी सीधी बात है। तो आप देख लो दोगुनी पर बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा, एक की चीज को 2 में बेचा जा रहा है तो दोगुनी कीमत पर बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 100%, 100% लाभ मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं उसी प्रकार का ये तीसरा क्वेश्चन था। तो जो मैंने इन 3 क्वेश्चनों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों वो बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट, तो देखेंगे आज की क्लास का 4th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, देखेंगे 4th क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, 4th क्वेश्चन जो है, एक टाइप के दो दो क्वेश्चन हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसलिए करते हैं जिससे जो है उसमें कोई भी डाउट ना बचे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो 4th क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पर देखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बताता हूं। 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार
बार पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रसव बताओ। ये फोर्थ क्वेश्चन है, पीछे वाले तीन क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसकी लैंग्वेज को पढ़कर तब आप समझकर तब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखते हैं आज की क्लास के चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले कह रहा है वो 60 पेन बेचने पर, मतलब एक कोई विक्रेता है, उसने टोटल 60 पेनों की बिक्री की है, तो 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन फोर्थ में, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, उसने कहा है 60 पेन बेचकर, भाई देखो तो एक पेन का क्रय मूल्य होगा कुछ, एक पेन का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं, सीपी मान लेता हूं मैं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। और एक पेन का विक्रय मूल्य होगा कुछ, मान के चलो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। और लैंग्वेज को भी ध्यान देना, तो 60 पेन बेचकर उसने 12 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। इसका मतलब 60 पेन उसने टोटल बेचे हैं, उन 60 पेनों को बेचने के बाद उसे 12 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला है। तो इसका मतलब यह है कि 60 पेन अगर वो बेचेगा और एक पेन का क्रय मूल्य सीपी है और एक पेन का विक्रय मूल्य 60 है, तो 60 पेन अगर बेचेगा तो 60 पेनों का टोटल सीपी कितना बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर एक पेन का सीपी है मूल्य और टोटल 60 पेन उसने बेचे हैं, तो इसका मतलब पूरे जो पेन है उनका टोटल सीपी 60 मल्टीप्लाई सीपी बन जाएगा। बात को पहले समझना, मैं बिल्कुल पहले आपको बेसिक कंसेप्ट के कंसेप्ट सहित बता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर देंगे हम। ऐसे ही विक्रय मूल्य एक पेन का एसपी है तो 60 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मल्टीप्लाई एसपी हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 60 पेनों का। उसके बाद उसने कहा है कि जो विक्रेता है वो लाभ कमाता है 12 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक पेन का क्रय मूल्य सीपी है तो उसका लाभ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई सीपी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि उसने इस ट्रांजेक्शन में लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हम लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये बताइए। तो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए हमें लाभ पता होना चाहिए कितना हो रहा है, तो लाभ हमें पता है, लाभ हो रहा है 12 आर्टिकलों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 12 मल्टीप्लाई सीपी हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमें सीपी पता होना चाहिए क्योंकि उसने कहा है क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, हम जो है उसने केवल हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, उसने कहीं भी ये नहीं कहा विक्रय मूल्य पर बताइए। तो हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है सभी का, 60 मल्टीप्लाई सीपी, ये टोटल कॉस्ट प्राइस बन रहा है, ऊपर लाभ है, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो सीधा लाभ परसेंट आ जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि सीपी से सीपी कैंसिल हो जाता है, मतलब एक पेन के क्रय मूल्य का इसके सॉल्यूशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 12 से 60 को कैंसिल करेंगे 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो सीधा हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में उसे 20% का लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन को जब आप डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, कितने पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है वो पेनों की संख्या ऊपर, और कितने सेल उसने बेचे हैं वो नीचे, और सीधा मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। तो 12 × 5 = 60 और 5 से कट जाएगा 20%। बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना सा है, इतना सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पेपर में करना है। और इतना सा सॉल्यूशन मतलब 12 यहां क्यों लिख रहे हैं, 60 यहां क्यों लिख रहे हैं, और ये वाली चीजें आपको इस ऊपर वाले सॉल्यूशन से समझ में आएंगी। अब बिल्कुल बारीकी से फिर से समझना, एक बार मैं आपको चीजें समझाता हूं कि उसने कहा है 60 वस्तुएं बेचकर, मतलब विक्रेता ने 60 वस्तुएं बेची हैं, तो 60 वस्तुएं बेचकर उसे 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 12 मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी माना है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी माना है, उसने 60 आर्टिकल बेचे हैं, तो ये बताओ 60 वस्तुएं कुल कितने रुपए की हो जाएंगी, तो 60 मल्टीप्लाई सीपी हो जाएंगी। और 60 वस्तुएं उसने कुल कितने रुपए में बेची होंगी, तो 60 मल्टीप्लाई एसपी हो जाएंगी। उसके बाद उसने स्पष्ट कहा है कि जो लाभ है वो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ 12 मल्टीप्लाई सीपी हो जाएगा। अब हमें लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें लाभ परसेंट निकालने के लिए एक तो चाहिए लाभ
और चाहिए सीपी, दो चीज चाहिए, सीपी भी हमारे पास है, लाभ भी हमारे पास है। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्यों, क्योंकि ऊपर एक आर्टिकल के क्रय मूल्य से नीचे एक आर्टिकल का क्रय मूल्य कैंसिल हो जाता है, तो एक आर्टिकल के क्रय मूल्य का परसेंटेज मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सीधा अब आर्टिकलों की संख्या ऊपर लिख सकते हैं और सीधा जो टोटल आर्टिकल है उनकी संख्या नीचे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा जैसे यहां किया है। तो अब इस वाले सॉल्यूशन को समझेंगे, 60 वस्तुएं बेचकर, इसका मतलब 60 जितनी वस्तुएं बेच रहा है वो नीचे, और कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो लाभ ऊपर और टोटल वस्तुएं नीचे मल्टीप्लाई 100, तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 20%। ऐसा आप तभी करेंगे जब क्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्रय मूल्य के टर्म में लाभ दे रहा हो। अगर वो लाभ ये कह रहा होता कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर फिर बेटा 12 मल्टीप्लाई एसपी हो जाता, यहां सेलिंग प्राइस हो जाता और यहां कॉस्ट प्राइस, तो वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होता। या मैं इसी क्वेश्चन में ये कह दूं कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर क्या होगा, तब भी आप ऐसे नहीं कर पाएंगे सीधा 12/60 मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि फिर यहां पर नीचे 60 मल्टीप्लाई एसपी आ जाएगा, तो वो कैंसिल नहीं होगा। इसलिए ये काम आप तभी करेंगे जब लाभ हमारा सीपी के टर्म में दिया हो और वास्तविक लाभ प्रतिशत हमसे पूछा हो, तब आप ऐसा करेंगे। उसके अलावा इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं जो हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये तो बिल्कुल आसान, मतलब ट्रिक हो गई, और ट्रिक भी नहीं, अब तो ये कंसेप्ट हो गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें क्यों का जवाब मिल जाए तो फिर वो ट्रिक नहीं रह जाती, वो एक कंसेप्ट हो जाता है, शॉर्ट कंसेप्ट। शॉर्ट कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट भी हमें पता है और जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, उसको हम कभी भूलेंगे भी नहीं। तो देखो अब एक बात बताना, जो इसी सॉल्यूशन को मैं एक दूसरे तरीके से करता हूं, 60 वस्तुएं बेची हैं और उसे लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 60 वस्तुएं बेचकर उसे लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया है प्रॉफिट के केस में एसपीसीपी से ज्यादा होता है, पहली क्लास में बता चुका हूं। तो 60 वस्तुओं के अगर विक्रय मूल्य में से मैं 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दूं तो बताइए लाभ के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उसने लाभ कितना दिया है, उसने कहा है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 12 सीपी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई एसपी बराबर 60 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60 और 12 72 सीपी, 12 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार, 12 से इसको कैंसिल करेंगे 6 एक बार, एक आर्टिकल का एसपी 6 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 5, तो एक आर्टिकल का सीपी रेशियो एक आर्टिकल का एसपी बराबर हो जाएगा हमारा 5:6। तो ट्रांजैक्शन में लाभ हानि निकालेंगे तो 5 जो है सीपी था, 6 एसपी है, तो लाभ कितने का हुआ 1 का, सीपी कितने पर 5 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो हमारा सीधा सीधा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई 20%। देखो पुराने वाला जो हम कर रहे थे उससे 20% ही आ रहा था 1/5, तो हम वहां से भी कर रहे थे तो 12/60 ही तो कर रहे थे, तो 12/60 का मतलब कितना होता है 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो वही आंसर आएगा। कैसे भी कर लो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट है वो हर जगह आपका काम करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जब बहुत जल्दी हो रहा है तो वो तरीका हमारे लिए बेस्ट है। ये वो भी कोई ट्रिक नहीं है, लाभ हमें डायरेक्ट दे रहा है सीपी के टर्म में और सीपी के टर्म में हमें सीपी निकाल ही लेंगे, तो लाभ बट्टे सीपी मल्टीप्लाई 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे भाई, आंसर निकालेंगे सभी विद्यार्थी, आंसर निकालेंगे भाई सभी विद्यार्थी, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। एक बार पढ़ के बता देता हूं, पांचवें क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है 264 आम बेचने पर एक विक्रेता को 24 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्या कह रहा है भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन का। पहले लैंग्वेज देख लो, पांचवें क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कह रहा है। तो पांचवें क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो कह रहा है कि 264 आम बेचने पर, तो उसने कुल 264 आम बेचे हैं और उसे 24 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 264 आम बेचकर उसे 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, 24 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब यहां पर अगर हम हानि की बात करें
तो इसमें हानि की अगर हम बात करें तो वो 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगी। उसके अलावा वो बेच कितने आर्टिकल रहा है, वहां से हम सीपीएस भी निकाल सकते हैं। तो टोटल आर्टिकल बेच रहा है 264। इसका मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सभी आर्टिकल का, तो वो 264 आर्टिकल बेच रहा है और एक आर्टिकल का सीपी हमने सीपी माना है, तो ये टोटल सीपी हो जाएगा। लॉस हमें पता ही है और सीपी हमें पता चली गया, तो हमें लॉस परसेंट बताना है। तो कितने आर्टिकलों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है वो ऊपर, और टोटल आर्टिकलों की संख्या 264 नीचे, परस मल्टीप्लाई 100, यही आंसर हो गया। 24 से एंसिल करेंगे एक बार जाएगा, एक बार 11 जाएगा, 11 से करेंगे तो यह आ जाएगा 9.09%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया है। ये पांचवा क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो 9.09 कौन से ऑप्शन पे है बेटा, ए ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस हमें करना क्या है, जब हमें होने वाला लाभ या हानि सीपी के टर्म में दिया हो और टोटल आर्टिकलों की संख्या हमें दी हो, तो उस केस में क्या करना है, जितने आर्टिकलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुआ है वो तो हो जाएगा सीधा लाभ और हानि, और टोटल आर्टिकलों की संख्या हो जाएगी क्रय मूल्य, उसको कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई 100, तो हमारा सीधा उस ट्रांजेक्शन में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। भाई सिक्स क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट, सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आपको ऊपर दिखने लग गया होगा छठवां क्वेश्चन। देखो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है 500 पेन बेचने पर एक दुकानदार 100 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो 500 पेन बेचकर। अब देखना मैं आपको इसको जो मैंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया था उन सारे तरीकों से बताऊंगा, और किस तरीके इसमें कहां दिक्कत आएगी वो भी बताऊंगा, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट मेथड बताऊंगा जिससे ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का ये सिक्स्थ क्वेश्चन है भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैं जैसे ही बोलता हूं वैसे ही क्वेश्चन में देखा करो वही चीज है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन में यही कह रहा है, 500 अगर 500 पेन बेचने पर, मतलब टोटल आर्टिकल 500 बेच रहा है और 100 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो 500 देखना पहले मैं उसी से चलता हूं, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैं सीपी मान लेता हूं और एक पेन का विक्रय मूल्य मैं एसपी मान लेता हूं। 500 बेच रहा है तो इसका मतलब 500 आर्टिकलों का सीपी टोटल कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक आर्टिकल के सीपी में, तो टोटल सीपी हो जाएगा 500 और सीपी। ऐसी एसपी निकालेंगे तो 500 आर्टिकलों का एसपी निकालेंगे, एक आर्टिकल का एसपी जो है एसपी है तो 500 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500 एसपी, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने दिया है होने वाला लाभ, और लाभ कहा है उसने कि 100 आर्टिकलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 100 एसपी के बराबर लाभ होता है, तो ट्रांजेक्शन का लाभ प्रतिशत पूछा है। अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझते चलना, अगर मैं यहां पर लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो लाभ लिखूंगा ऊपर 100 मल्टीप्लाई एसपी, और क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं तो क्रय मूल्य कितना है भाई 500 मल्टीप्लाई सीपी, 500 मल्टीप्लाई सीपी और मल्टीप्लाई 100 ऐसे निकालूंगा। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आ गई, आप कहेंगे कि सर यहां पर जो एसपी है और यहां पर सीपी है ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसका मतलब हम क्वेश्चन को यहां से आगे कैसे करेंगे, तो इस वाले तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नहीं होगा। और ये करके मैंने इतना क्यों बताया है, वो इसलिए बताया है कि आपको जो मैं बात पीछे वाले क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था वो बात आपको यहां समझ में आ जाए। अगर यही पे ऐसी क्वेश्चन में वो कह दे कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर बताइए, तो फिर यहां पे नीचे 500 एसपी आएगा, एसपी से एसपी कैंसिल हो जाएगा, तब हम आंसर इस क्वेश्चन का कर सकते इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन कितने आर्टिकलों के बराबर लाभ हुआ है या हानि हुई है वो ऊपर, और टोटल आर्टिकलों की संख्या नीचे और मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से क्वेश्चन तभी निकल पाएगा जब ऊपर जो प्रॉफिट जिस टर्म में दिया है उसी पर लाभ या हानि प्रतिशत पूछा हो। अगर यह कहा है कि 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो नीचे भी उसने वास्तविक लाभ पूछा हो, मतलब सीपी पर चाहो तभी ये कैंसिल होगा, तब हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। अगर यहां पर लाभ उसने एसपी के टर्म में दिया है और हमें वास्तविक लाभ पूछा है सीपी पर, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें एसपी पर कहा होता तो हम ऐसे कर पाते। ठीक है, अब देखो
ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जब हमें लाभ दिया हो विक्रय मूल्य के टर्म में और पूछा हो सीपी पर, मतलब जिसमें लाभ दिया उस टर्म में आंसर न पूछकर दूसरे पर पूछा हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल जो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया था उससे। 500 वस्तुएं बेचने पर उसे 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा, तो 500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 500 मल्टीप्लाई एसपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है तो 500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई एसपी, और 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से यदि मैं 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दूं, क्रय मूल्य घटा दूं तो ये लाभ निकल के आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये लाभ निकल के आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, और लाभ बराबर उसने दिया है 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बस मैं वही करता जा रहा हूं, कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहा भाई। यहां से करेंगे फिर सीपी को एक साइड में एसपी को एक साइड में, तो 500 एसपी और 100 एसपी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब 500 में से 100 एसपी को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 400 एसपी, उसके बाद 500 सीपी इधर माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 सीपी, दोनों चीजें बराबर होंगी, 100 कैंसिल हो जाएगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रेशियो, एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 4:4, सेलिंग प्राइस होगा हमारा 5:5, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 4:5। अब देख लो ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, तो 4:4 की एक आर्टिकल की खरीद है 5 की बिक्री है, तो इसका मतलब ज्यादा में खरीद रहा है कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, कितने का लाभ हो रहा है 1 का, कितने पर सीपी 4 पर और मल्टीप्लाई 100, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट, 25% लाभ। तो जब कभी भी प्यारे विद्यार्थियों ये लाभ और हानि एसपी के टर्म में दिए हैं और फिर आपसे दूसरे मतलब क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, शॉर्ट ट्रिक से ऐसे नहीं करना कि 100 आर्टिकलों के बराबर सर ने बोला था और नीचे टोटल आर्टिकल लिख लो मल्टीप्लाई 100, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्यों नहीं करना, वो रीजन आपको मैंने पीछे बता दिया है, जब ऐसे तभी कर पाएंगे जब ऊपर जो वैल्यू दी है वो भी सीपी में दी हो, नीचे भी सीपी पर ही पूछा हो, अगर ऊपर एसपी में दिया तो नीचे विक्रय मूल्य पर पूछा हो, तो ही ऐसे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, देखेंगे 7th क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, क्वेश्चन को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को जीरो से लेके चलेंगे भाई, प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप तक जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th में इसमें कह रहा है 189 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 189 वस्तुएं बेचने पर उसे 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब एसपी में दिया है हानि, तो इसका मतलब एसपी में दिया है और वास्तविक हानि परसेंट पूछा है, मतलब वो चीज एसपी में दी है और सीपी में पूछा है, तो शॉर्ट ट्रिक से हम नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें बिल्कुल बेसिक जो तरीका मैंने आपको बताया उसी से जाना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन निकालेंगे, सारे रास्ते में आपको बता दूंगा, बस आपको ये देखना है कि कौन सा रास्ता हमें कब पकड़ना है, ये वाली बात आपको समझनी है, बस रास्ते सारे दिखा दूंगा आपको, एक जगह पे जाने के सारे रास्ते दिखा दूंगा, लेकिन कोई कोई रास्ता कहीं जाके बंद हो जाता है, तो आगे तक जाना है तो हमें सारे रास्ते पता होने चाहिए तभी हम जगह पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस में क्या कहा है, 189 वस्तुओं को बेचकर 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, वस्तुएं कितनी बेच रहा है 189, इसका मतलब हानि हो रही है, हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो 189 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से यदि 189 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाएंगे, विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस टाइप में कहां होता है वो भी मैं बता दूंगा, तो 189 वस्तुएं बेचकर उसे क्या होता है 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कुछ विद्यार्थियों को इस टाइप में कंफ्यूजन यहां हो जाता है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को यहीं पे डाउट होता था कि सर अभी तो आप एसपी में से सीपी घटा रहे थे, अब आप सीपी में से एसपी क्यों घटा रहे हैं, तो उसका रीजन प्यारे विद्यार्थियों ये है कि जब लाभ दिया होगा
तब तो एसपी में से सीपी घटाएंगे। क्यों? क्योंकि लाभ के केस में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो इसलिए एसपी में से सीपी घटाएंगे। लेकिन हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो हानि निकालेंगे तो सीपी में से एसपी घटाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 27 के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस आगे कैलकुलेट कर लो। तो सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ, तो सीपी तो इधर रहेगा ही, 189 सीपी, और 189 आपका उधर जाएगा तो 27 में ऐड हो जाएगा। तो 9 और 7 16, 6 8 और 2 10 और 11 एक 216 वस्तुओं के एसपी के बराबर। यहां से अब क्वेश्चन वही बन गया कि 189 वस्तुओं का क्रय मूल्य 216 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बताइए। बस क्वेश्चन वही बन गया, कैंसिल कर लेते हैं। 8 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये, तो 9 दुनी 18 21 बार कैंसिल हो जाएगा। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 दुनी 18 9 चौक 36 24 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये आपका 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 8 बार, तो एक आर्टिकल का सीपी 8 आ जाएगा और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रेशियो, एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रेशियो है भैया, 8 रेशियो, और एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना रेशियो, 7। तो 8 रेशियो की खरीद है और 7 रेशियो की बिक्री है। ज्यादा की खरीद कम की बिक्री तो लॉस होगा, लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, कितने पर, 8 पर और मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5% हानि, 12.5% लॉस, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, और हर एक टाइप के हम दो दो क्वेश्चन हर टाइप के हम दो दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने ये एक और क्वेश्चन उसी टाइप का सेम करा जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन कराया था। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो दिया है उस टर्म में ही हमें वैल्यू पूछी होगी तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, आर्टिकलों की संख्या के बराबर लाभ को ऊपर और टोटल आर्टिकलों की संख्या मल्टीप्लाई 100। अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे लैंग्वेज में करा वैसे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा उसके अनुसार ही करते चलना है। देखना, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको इससे मैच करके बताता हूं कैसे। 189 वस्तुएं बेचने पर उसे 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये हानि हो गई। हानि निकालते कैसे है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर, तो 189 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से 189 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटा दिया, हानि के बराबर कर दिया, बस हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वहां से एक के क्रय मूल्य और एक के विक्रय मूल्य का अब लाभ परसेंट हानि परसेंट बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक आर्टिकल का क्रय मूल्य है, 8 रेशियो की ये वस्तु को खरीद रहा है, 7 में बेच रहा है, 1 को, समान है क्वांटिटी, मैंने बताया था कि क्वांटिटी भी समान होनी चाहिए, तो ज्यादा में खरीदकर कम में बेच रहा है तो हानि होगी कितने की, 1 की 8 पर मल्टीप्लाई 100, तो 12.5% आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की क्लास में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 8th क्वेश्चन आपको ऊपर दिखने लग गया होगा। मैं जितने टाइम में ये क्वेश्चन मिटाता हूं उतने टाइम में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करें भाई। 8th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, जो पीछे पड़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। देखो मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा भाई, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो आज की क्लास का 8th क्वेश्चन देखेंगे। अब हम थोड़े से फास्ट हो जाते हैं क्योंकि ये वाले टाइप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है मैं वैसे करूंगा, 72 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, इसका मतलब हानि है तो सीपी में से एसपी घटाना पड़ेगा। तो 72 वस्तुओं के सीपी में से माइनस करेंगे 72 वस्तुओं का एसपी, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 12 वस्तुओं के एसपी के। उसने यही कहा 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसने यही कहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सीपी एक साइड में एसपी एक साइड में, तो 72 वस्तुओं का सीपी, 72 को उधर लेके जाएंगे तो एड हो जाएगा इसमें 84 एसपी, कैंसिल कर लो कितने से हो रहा है भाई, तो ये कैंसिल कर लेते हैं तो 36 से 12 से ये कैंसिल हो रहा है आपका, 12 से ये कैंसिल हो रहा है 12 छिंग 72 6 बार, और 12 से ये कैंसिल हो रहा है 7 बार, तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 7 रेशियो आ जाएगा, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 6 रेशियो आ जाएगा। मतलब एक आर्टिकल के क्रय मूल्य का और एक आर्टिकल के विक्रय मूल्य से रेशियो हमारा आ जाएगा 7:6। एक वस्तु की 7 की खरीद है 6 की बिक्री, तो हानि होगी। लेकिन यहां पर हानि प्रतिशत नहीं पूछा, उसने हमें सीपी देकर एसपी पूछा है, तो
एक वस्तु का सीपी उसने दिया है कितना 980, तो एक वस्तु का सीपी कितना रेशियो है, 7, 7 रेशियो की वैल्यू उसने हमें बराबर दी है 980 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 से एक बार जाएगा, 7 × 28 = 140, और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 6 रेशियो का मान, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 0 = 24 × 2 = 840। 840 रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है भाई 840? सी ऑप्शन पे दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। करने का तरीका सेम है, बस अब यहां पर क्या चेंज आया, यहां पर हमें एक वस्तु का सीपी दिया था, एसपी पूछा है, हानि परसेंट नहीं पूछा। अगर इसी क्वेश्चन में हानि परसेंट पूछा होता तो क्या होता, 7 की खरीद है 6 की बिक्री, तो 1 का लॉस 7 पर मल्टीप्लाई 100, तो आंसर होता हमारा 14.28%।